त्रिपुरा उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित भारत का एक खूबसूरत राज्य है, जो कि अपने खूबसूरत तटों, नदियों, झीलों और वनों के लिए जाना जाता है। यहाँ के जंगली जीव जंतुओं और प्राचीन मंदिरों का दर्शन करने के लिए लोग जहाँ आते हैं, लेकिन जहाँ पे आने के लिए लोगों को बहुत ज्यादा टाइम लगता है, उसके पीछे की वजह है ये बांग्लादेश। अगर आपको रोड या फिर ट्रेन से त्रिपुरा आना होगा तो आपको बांग्लादेश के साइड से घूम के आना होगा। मान लीजिए आप कोलकाता से अगरतला के लिए वाई ट्रेन आ रहे हैं तो आपको 36 घंटे का समय लग जाएगा, क्योंकि आपको बांग्लादेश के साइड से घूम के अगरतला आना पड़ेगा। और इस सब चीज का इम्पैक्ट उस स्टेट के लोगों और उस स्टेट की इकोनॉमी पे पड़ता है। लेकिन अब इंडिया इस डिस्टेंस को कम करने वाला है, कैसे? बांग्लादेश से होते हुए। जी हाँ, अब इंडियन रेलवे कोलकाता से अगरतला के लिए डायरेक्ट बांग्लादेश से ट्रेन चलाएगा, जिससे जो समय पहले 36 घंटे का लगता था वो अब केवल 10 घंटे का रह जाएगा। 2013 में दोनों कंट्रीज के गवर्नमेंट्स ने MOU साइन किया था अगरतला रेलवे स्टेशन को बांग्लादेश के अखोरा रेलवे स्टेशन के साथ कनेक्ट करने का, और इस प्रोजेक्ट का नाम हुआ अखोरा अगरतला रेलवे लाइन प्रोजेक्ट। इस लाइन की टोटल लेंथ 15 किलोमीटर की है, जिसमें से 5 किलोमीटर इंडियन साइड यानी कि त्रिपुरा में और बाकी का बांग्लादेश में है। ये रेलवे लाइन निश्चिंतापुर इंटरनेशनल इमिग्रेशन स्टेशन से होते हुए जाएगी, जो कि इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर के साथ में है। इस प्रोजेक्ट को 2021 तक बना के तैयार करना था, लेकिन कोरोना के आने से इसका काम अभी तक बचा हुआ है। अभी की बात करें तो इस प्रोजेक्ट का काम 85% तक इंडियन साइड से पूरा हो चुका है और 76% तक बांग्लादेश वाली साइड से भी पूरा हो चुका है। और अब रेलवे का कहना है कि इस प्रोजेक्ट को सितंबर 2023 तक बनाकर तैयार कर दिया जाएगा। ये रेलवे प्रोजेक्ट त्रिपुरा और उसके साथ वाली स्टेट्स के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो टाइम पहले भारत के हिस्सों में जाने के लिए दिनों का लगता था वो अब सिर्फ कुछ घंटों का रह जाएगा। और ये लाइन बांग्लादेश से होते हुए जाएगी और इसमें सफर करने के लिए टूरिस्ट दूर दूर से आएंगे, जिससे त्रिपुरा में टूरिज्म सेक्टर भी बूस्ट होगा। हम आपको बता दें कि अखोरा पहले ब्रिटिश काल में अगरतला के लिए एक रेलवे लिंक था। इस प्रोजेक्ट का जो इंडियन साइड वाला हिस्सा है उसको मिनिस्ट्री फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया द्वारा इसको फंड किया जाएगा, और जो 10.6 किलोमीटर ट्रैक जो कि बांग्लादेश वाली साइड में है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा बनाया जा रहा है। अभी की बात करें तो सितंबर 2023 तक इस प्रोजेक्ट को बना के तैयार कर दिया जाएगा, और इसके बाद ट्रेन कोलकाता से सीधे अखोरा से होते हुए अगरतला तक आ जाएगी, और अब लोगों को त्रिपुरा तक पहुंचना आसान हो जाएगा। दोस्तों, जब जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो क्या आप इस ट्रेन में सफर करना चाहोगे? नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक में देखना चाहते हो कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम कुछ ऐसी वीडियोस के साथ। धन्यवाद।